हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सानीपनी एजुकेशनल एकेडमी आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड ठीक थ्री का एनवायरमेंटल स्टडीज लेसन नंबर एटीन क्लोथ्स वी ऑल वेयर क्लोथ्स टू कवर ओवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम विंड हीट एंड कोल्ड विंड का मीनिंग होता है एयर करंट यानी कि हमारे बॉडी को कवर करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे क्लोथ का और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम बॉडी को करंट से हीट और कोल्ड कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम हम क्लोथ्स का यूज करते हैं वी वेटर डिफरेंट क्लोथ इन डिफरेंट वेटर यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट वेटर में डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं जैसे कि विंटर में जैकेट समर में कॉटन क्लोथ्स एंड रेन रेनी सीजन में रेनकोट का यूज करते हैं लाइक डिफरेंट कंट्रीज एंड द स्टेट स्पेशल ट्रेडिशनल क्लोथ्स यानी कि डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल ट्रेडिशनल क्लोथ होते हैं द नेम ऑफ टाइप ऑफ क्लोथ यू वेर ड्यूरिंग द समर विंटर एंड मानसून यानी कि हम जो भी क्लोथ पहनते हैं समर मानसून एंड विंटर में इसका नाम लिखना है द विंटर में हम क्या पहनते हैं जैकेट ऑलोंग विथ लॉन्ग लॉन्ग पैंट समर कॉटन स डेट कैन अलोट द एयर टू पास ओवर ड्राई द स्वेट इजिली यानी कि कॉटन क्लोथ पहते हैं तो एयर इजीली पास हो सकती है इसीलिए हमें गर्मी कम लगती है इसीलिए हम समर में कॉटन क्लोथ यूज करेंगे रेनी सीजन में क्या पहनेंगे रेन कोट डेट डू नॉट डेट डू डू नॉट ऑलो वाटर टू पास थ्रो आउट यानी कि हम जो भी रेनकोट पहते हैं वो पानी को पास नहीं हो वाटर को पास नहीं हो, होने देगा इसलिए हम रैंक का यूज करेंगे नाउ सेकंड कैन यू कैन यू रेकनाइज द प्रोफिशन फ्रॉम द क्लोथ ये किसके है तो ये पुलिस के है ये वर्कर्स के है पिक्चर में जो सेकंड दिखाया है और ए सेफ के है नाउ इन इन स्कूल इन स्कूल वी नो विनोडेड स्टूडेंट हैव यूनिफॉर्म। स्टूडेंट के यूनिफॉर्म होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं यूज करती है या सलवार कमीज जो स्कूल हेल्पर्स वेयर स्पेसिफिक यूनिफॉर्म डेट में बी डिफरेंट फ्रॉम यू ये पिक्चर है स्कूल के क्लास का क्लास में सभी बच्चों के सभी बच्चों के यूनिफॉर्म है और टीचर सर्वर कमीज में है और ये स्कूल का हेल्पर उसका स्पेसिफिक यूनिफॉर्म दिया गया है सिमिलर एट होम योर फैमिली मेंबर्स में वेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स एज कुर्ता पायजामा शर्ट एंड ट्राउजर्स स्कर्ट्स ब्लाउज इटीसी हम अपने घर पे देख सकते हैं कि वो हमारा हमारे जो ग्रैंडफादर है वो शर्ट और ट्राउजर का यूज करते हैं और ग्राम ग्रैंड माँ और मम्मी जो है हमारी वो स्कर्ट और ब्लाउज का यूज करती है और हम हम पैंट और शर्ट पहनते हैं या जो भी हमें अच्छा लगे वो हम पहनते हैं यानी कि सब मेंबर के डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ होते हैं तो क्लोथ में डिफरेंट इन मटेरियल कलर डिजाइन एंड मैनी ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द वेडर यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंटर डिफरेंट वेदर में डिफरेंट टाइप्स के मटीरियल और क्लोथ यूज करते हैं यानी कि डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट डिजाइन होती है डिफरेंट वेदर में थर्स थर्स वी सी डेट द टाइप ऑफ क्लोथ्स पीपल वेयर डिपेंड्स on a number of factors, early humans live in caves and एंड their bodies with विथ leaves or animal skin. यानी कि हमारे पुराने जमाने में आदिवासी जो भी है वो क्या, क्या यूज करते थे एनिमल skin का क्लोथ की जगह पे यूज करते थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैन लर्न द arts ऑफ Weaving a cloth from a nat natural fabric such as a cotton, silk, jute, and wool. Wool, yaniki, At a time, over a period of time, man learned the art of weaving the cloth from the natural, fi natural fibres.

रन इलेक्ट्रिसिटी पीपल लिविंग इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ यानी कि पीपल जहाँ भी रहते हैं जुड़ी जुडी डिफरेंट प्लास पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड द वे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ पहनते हैं दैट टाइप ऑफ क्लोथ पर्सन वेर डिपेंड अपन द फॉलोइंग फैक्टर्स फर्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एट्ले प्लेस पर जो जैसा भी वेदर रहा है इस इस टाइप के क्लोथ पहनेंगे द कल्चर एंड रिजन बिलीफ्स ऑफ अ पर्सन कल्चर एंड रिजन के प्रमाण हम क्लोथ पहनेंगे द इकोनॉमिक्स द इकोनॉमिक्स द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन द ट्रेंड एंड स्टाइल प्रीवेलेंट एट यानी कि स्टाइल और ट्रेंड के वाइज हम जो भी क्लोथ है वो सिलेक्ट करेंगे नावाडेज वी यूजली द पेंट और टी शर्ट मोर स्टाइल पेंट और टी शर्ट की है इन इंडियन इंडिया इन इंडिया पीपल वेर द वेर बोट इंडियन एंड वेस्टर्न आउटफिट ईच स्टेट इन इंडिया यूनिक कल्चर एंड द ट्रेडिशनल विच इज रिफ्लेक्टेड इन द क्लोथ वॉर्न बाय अ पीपल डेर यानी कि इन इंडिया पीपल वेर द बोट इंडियन ड्रेस एंड द वेस्टर्न आउटफिट इंडियन आउटफिट एंड वेस्टर्न आउटफिट सम्रेस सम ड्रेसिस आर पॉप्युलर ऑल ओवर इंडिया फॉर एग्जाम्पल वुमन वेयर ट साड़ी एंड सलवार कमीज वुमन क्या पहनती है साड़ी एंड सलवार कमीज हमने हमारे घर पे मम और ग्रांड मदर को देखा है देखते ही है वो क्या पहनती है साड़ी एंड शलवार कमीज मैन यूजली वेयर ट कुर्ता पायजामा शर्ट ट्राउजर एंड टोटी कुर्ता हमारे यहाँ घर पे फादर और ग्रैंडफादर मोस्टली शर्ट और ट्राउजर का यूज करते हैं, यानी कि शर्ट पैंट का यूज कर, करते हैं क्लोथ को पहनने के लिए क्लोथ पहनते हैं ना शर्ट और ट्राउजर क्लोथ वुमन वेयर नाउ स्टार्ट क्लोथ वुमन वेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम वुमन इन इंडियन हैव अ वन द साड़ी अ लॉन्ग अनस्टिच पीस ऑफ अलोथ द स्टाइल ऑफ अ different in डिफरेंट इन state डिफरेंट स्टेट यानी कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप के साड़ी होती है पहनते हैं इन असम एंड स्टिच द क्लोथ कॉल्ड द चादर इज वन विथ अ ब्लाउज एंड अ लॉन्ग फॉलोइंग स्कर्ट कॉल मेखला मेखला यानी कि असम में जो भी वुमन है वो कौन सी स्टाइल का ट्रेडिशनल लुक है तो मेखला यहाँ पे दिखाया है हमने पिक्चर पिक्चर में मेखला स्टाइल इन इन मिजोरम मिजोरम वुमन वेट वुमन वेट पुंची पुंची विस द कंसिस्ट ऑफ ऑफ अ ब्लाउज एंड अ कलरफुल स्ट्रिप्ड सॉल वेपर वेप्ड राउंड यानी कि कमर ये स्टाइल यहाँ पे दिखाई है मिजोराम स्टाइल यहां पर कौन सी है विच कंसिस्ट ऑफ अ ब्लाउज एंड कलरफुल स्ट्रिप सॉल वेपर अराउंड द वेस्ट नाउ द दुपट्टा चुन्नी और ओडनी इज एन अनस्टिच

उसका ट्रेडिशनल लुक क्या है सलवार कमीज और दुपट्टा कवर टूर ओवर द राजस्थान एंड गुजरात वेयर अ एंड एंड ड्रेप ओढ़नी अराउंड अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी हमारे यहाँ हम गुजराती है तो हमारे यहाँ क्या घाचोरी यानी कि साड़ी का यूज करते हैं ना उसे ड्रेप द होटनी अराउंड द अपर पार्ट ऑफ बॉडी यस, इस तरह से ही राजस्थान स्टाइल दिखाई है पिक्चर में नाउ इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश वुमन वेर द क्रॉन कॉल्ड कॉल्ट फिरान विथ अ सलवार द फिरान इज यूज़ुअली मेड ऑफ़ फूल यानी कि टू कीप वाम यानी कि फिर किससे बना हुआ है वु, से उनसे बना हुआ है दे यूज द चुन्नी एज अ स्कार्फ टू कवर देयर देयर द हरियाणा द ट्रेडिशनल ड्रेस कंसिस्ट ऑफ अ लहंगा शर्ट वूमेन वुमेन वेयर अ दुपट्टा एंड दुपट्टा एंड यूज इट ट तो प्रोटेक्ट डेयर फेस फ्राम डस्टीवीं यानी कि डस्टीवीं डस्टी एयर से बचने के लिए वो अपने दुपट्टा का यूज करके उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वुमेन कहा की कह हरियाणा प्रदेश की हरियाणा ट्रेडिशनल लुक है उसका यहाँ पे हरियाणा का ट्रेडिशनल लुक दिखाया ये काश्मीर का है काश्मीर का क्या है फिरान और सलवार है ना वो दिखाया है पिक्चर में इन इंडिया ऑल्सो वेर अ फ्रॉक्स क्राउन एंड द स्कर्ट एज वेल एज द शर्ट एंड ट्राउजर इन वुमन इन इंडिया ऑल्सो वेयर अ फ्रॉक्स क्राउन एंड स्कर्ट एज वेल एज द शर्ट एंड ट्राउजर यहाँ पे महाराष्ट्रियन का स्टाइल दिखाया है ये बंगाली स्टाइल है ये गुजराती स्टाइल है हमारी गुजराती स्टाइल ये नॉर्मल स्टाइल है नॉर्मल स्टाइल अब हम क्लोथ्स मेन्स वेयर के बारे में आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे